आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कि लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती। अच्छा, जैसे तैसे करके हम लड़कियों को शादी के लिए मना लेते हैं, तो जानते हैं ससुराल में वो एडजस्ट ही नहीं हो पाती हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए उन्होंने शादी भी कर ली, वो ससुराल में एडजस्ट हो गई। फिर आता है काम का प्रेशर, नियम, पूजा पाठ, घर का काम काज, बड़े दो बार बोल देते हैं, उसको सहना। कहीं ना ये सारी चीजें खत्म हो रही है। और क्यों खत्म हो रही है? देखिए, ये समाज है। लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं इसलिए क्योंकि उनके मन में ना डर बैठ गया है कि वो अब शादी के बाद जो है जेल में बंद हो जाएंगी और उन्हें जो है किसी और के मुताबिक चलना पड़ेगा। वो अपनी मन मर्जी का कुछ भी काम नहीं कर पाएंगी। कपड़े पहनना, खाना पीना, जैसे मम्मी पापा के पास रहती हैं, ऑफिस से आई, मर्जी है काम किया, मर्जी है काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसा हो सकता है अगर आप बहू को बेटी बना के रखोगे, और बहू को भी बेटी बनकर ही रहना पड़ेगा क्योंकि माँ के साथ बेटी की कभी कभी इतनी जबरदस्त फाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी बेटी को बुरा नहीं लगता। 2 मिनट के बाद वो फिर माँ के गले लग जाएगी और फिर उसके पीछे माँ माँ कहते हुए दौड़ती है, ठीक है। तो और लड़कियां डरती क्यों है शादी करने से? कहीं ना कहीं ये जो हमारी रूढ़िवादी पारंपरिक, ये जो परंपरा चली आ रही है ना, सोच चली आ रही है एक, कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हम अभी भी ऐसा ही करेंगे, होता था अभी भी करेंगे। तो ये जो समस्या है ना, इस समस्या को हमें बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी बहू कामकाजी है, ऑफिस जाती है, और आपकी बहू अफोर्ड कर सकती है, स्पेशली ये मैं लड़कियों के लिए बोल सकती हूँ, अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आपकी सासू माँ घर पे ही रहती हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ मिलके, तो आप एक उनको हेल्प के लिए एक उनके साथ हेल्पर रख दीजिए। कुछ इससे कुछ नहीं होता है, आपके ऊपर काम का लोड भी कम पड़ेगा और दूसरे आपकी सासू माँ को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। भाई, वो पूरी जिंदगी तो काम नहीं कर सकती ना, ये तो एक समझदारी की बात हो गई। पूरी जिंदगी वो आपको रोटी बना के नहीं खिला सकती, उनका भी एक टाइम आता है, वो भी सोचते हैं कि भाई अब मुझे जो है आराम मिलना चाहिए। तो अगर यही काम समझदारी से हो जाए ना, तो कोई समस्या ही नहीं रहती, क्योंकि सारे जो है लड़ाई झगड़े वो जो होते हैं काम को ही लेकर ससुराल में होते हैं, और इसीलिए आजकल की लड़कियां जो है वो शादी करने से कतराती हैं। एक प्रॉब्लम हो गई, और इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी प्रॉब्लम होती है, लड़कियों को भी समझना चाहिए। देखिए, अभी जो नई लड़कियां हैं वो शादी करके जाती हैं, उनके विचार अलग होते हैं, उनके अंदर इतनी मच्योरिटी नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है, वो जो उनके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उनको हर एक बात जो है बुरी लगती है, और वो मतलब एक अंदर से क्रोध भरा होता है। एक तो नई जगह, नए लोग, नए तौर तरीके, ये सब ऊपर से फिर जब टोका टाकी होती है, ऐसे मत करो, वैसे करो, ये करो, वो मत करो, तो क्या होता है, इंसान जो है झल्ला जाता है। तो आपको शांति के साथ ससुराल में ना थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा लोगों को। अगर उन्होंने 2-4 बात बोल दी है, तो उसके लिए प्लीज घर में ऐसा माहौल मत कर दीजिए कि बस पूरे दिन सबका मूड ऑफ हो और आपके किचन में जो खाना बना है उसको भी कोई ना खाए, और कोई इस कमरे में लेटा है, कोई उस कमरे में लेटा है। तो ये चीजें जो है अच्छी नहीं है। समझदारी के साथ ससुराल वालों को भी समझना चाहिए, लड़की को भी समझना चाहिए। अगर आपके सास ससुर ने या घर में किसी के साथ आपकी बहस हो गई, तो उसको इग्नोर कीजिए और अपने काम पे कंटिन्यू रहिए, और जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप समझ के सॉल्व कर लीजिए, ना कि मुंह फुलाने से, एक दूसरे को ताने मारने से। क्योंकि हमारी ये लेडीज के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हम क्या करती हैं, साफ साफ बात नहीं बताती हैं और उसको तानों में, टोन में, ये सारी चीजें करती हैं, और ये चीजें इतनी बुरी लगती है ना, बहुत ही ज्यादा दिल को चुभती है। आप अगर बहू से कोई गलती होगी तो सास को साफ साफ बताना देना चाहिए, और अगर सास से कोई गलती होगी कि भाई मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, और आप दोनों ही मिलके एडजस्ट कीजिए, तो ये सारी टेंशन ही ना हो। और शादी जो है ना बहुत ही एक खुशनुमा रिश्ता है, इसको आप निभाएंगी कैसे, कड़वाहट से या मिठास से, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आजकल की लड़कियां भाई बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, एकदम हर काम में परफेक्ट है, उनको हर चीज आती है, घर का भी बाहर का भी हर चीज संभाल सकती है। बस उनको थोड़ा सा ना ससुराल वालों को समझने की जरूरत है, और थोड़ा सा बहू को अपने ससुराल के समझने की जरूरत है, तो ये जो है ना रिश्ता बहुत ही प्यारा हो जाता है। तीसरी आती है,
जैसे लड़कियों को पूजा पाठ, नहीं नहीं लड़कियों को कम पसंद होता है, साड़ी पहनना कम पसंद होता है, उनको लगता है कि भाई ये क्या है, जैसे सासू माँ बोल रही है कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं आप साड़ी पहन लीजिए, तो गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं सूट क्यों नहीं पहन सकती हूँ, मैं ये जीन्स टॉप क्यों नहीं पहन सकती हूँ। ठीक है, आप पहन सकती हो हमेशा, तो आपको आजकल कोई भी नहीं पहनता है, ना कोई बोलता है कि आप हमेशा परमानेंट पहन के रखिए। कुछ टाइम के लिए अगर गेस्ट आए हैं, बोल रहे हैं, पूजा पाठ करना है, सुबह आप नहा के थोड़ी देर मंदिर में हाथ जोड़ लेंगे, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति को आप नहीं करेंगे, फिर आपके बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से फिर तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जो पूजा पद्धति है, ये तो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी ना। तो इसलिए पुरानी चीज़ों को आप साथ में लेके चलिए, नए तरीके से नहा धो के अगर आप 2 मिनट मंदिर में दिया जला देंगे, सासू माँ की भी बात रह जाएगी और आपका भी नहाना तो है ही, ऑफिस जाना है, तैयार आपको होना है, तो क्यों ना आप दिया जला दें, 2 बत्ती जला दें और भगवान का आशीर्वाद लेके निकले। और बड़ों की डांट भी ना आशीर्वाद से कम नहीं होती है, इसलिए जो है मिलजुल कर ये रिश्ता निभाए तो ये कोई समस्या है ही नहीं, सोच के देखिएगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपको इसमें कोई भी कमी खामी नजर आती है मेरी वीडियो में तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छाई नजर आती है तो वो भी बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड।